तो मुमकिन है पाकिस्तान के नेता को ऐसा लगता हो कि जैसे तालिबान के आतंकी आगे बढ़ते गए और अफगानिस्तान के अलग अलग शहर, यहाँ तक कि काबुल भी उनकी गिरफ्त में आ गया, वैसा ही शायद कश्मीर की तरफ चलते हुए हो जाएगा। लेकिन शायद उन्हें सिर्फ अलग अलग युद्ध की ओर झांक कर देख लेना चाहिए, नहीं तो अभी तक आतंकियों का जो हश्र होता है। बहरहाल, तालिबान और पाकिस्तान फितरत से तो मौसेरे नहीं, सगे भाई हैं, लेकिन अब तालिबान का पूरा फोकस अफगानिस्तान की सत्ता चलाने पर है। आतंकवादी संगठन को वो अपनी पॉलिटिकल पिक्चर में अभी बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हालांकि कश्मीर पर तालिबान के पाकिस्तान का साथ न देने की एक वजह और भी है, वो ये है कि आज भले ही पाकिस्तान तालिबान का मददगार बना है, लेकिन कल तक तो वो तालिबान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान को 20 सालों में $33 अरब की भारी भरकम आर्थिक मदद दी है। इसमें से $14.5 अरब से ज्यादा रकम सिर्फ पाकिस्तानी सेना को तालिबान से लड़ने के नाम पर मिल गई है। लेकिन इतना पैसा हजम करके भी पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है और अब थाली के बैंगन की तरह वो तालिबान की तरफ लुढ़क गया है। अब तालिबान को लेकर अब दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो ये कि अगर तालिबान पर भारत भरोसा नहीं करेगा, और दूसरी ये कि कश्मीर में तालिबानी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान को भारत इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए भारत सरकार ने कल यानी गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी राजनीतिक दल राय देंगे कि तालिबानी सत्ता वाले अफगानिस्तान को लेकर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, तालिबान के साथ भारत का कूटनीतिक रुख कैसा रहना चाहिए। इसी विषय पर आज तक के खास कार्यक्रम जो कि आज दिन भर चला सुरक्षा सभा में, आज मैंने देश के दो पूर्व विदेश मंत्रियों यशवंत सिन्हा और सलमान खुर्शीद से चर्चा की, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए। आप भी सुनिए। आपके अनुभव के जरिए यशवंत जी, हम ये समझना चाहेंगे कि इस समय तालिबान को लेकर भारत का जो रुख है या जो बातचीत चल रही है, जो संशय है, जो आशंकाएं उसे लेकर चल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वो सही है या मिसप्लेस्ड है? देखिए, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत ही अदब के साथ, संकोच के साथ, वो ये है कि अफगानिस्तान के मसले को और उस खास करके तालिबान के मसले को हमको भारत की राजनीति के साथ जुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम उसको भारत की राजनीति के साथ जोड़ के देख रहे हैं, और जो लोग समाज को बांटने में विश्वास करते हैं उन लोगों को एक बड़ा हथियार मिल गया है, तालिबान अफगानिस्तान। एक दफा ये क्लियर हो जाए कि भाई हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी अलग है, फॉरेन पॉलिसी हमारी अलग है, अब तालिबान के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए ये क्या, इस पर नहीं निर्भर करेगा कि किस प्रकार की सरकार काबुल में बनती है। और मान लीजिए कि कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है, अगर एक वहाँ पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा, अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा, उसमें पाकिस्तान कि दखल अंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी स्थिर नहीं हुई हैं, सेटल नहीं हुई हैं, और उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको वहाँ से निकालना, वापस लाना, तो वो काम चल रहा है। हालांकि मैं फिर आपसे कहूंगा कि शायद भारत के राजदूत को काबुल छोड़कर इतने जल्दी वहां से वापस नहीं आना चाहिए था, अगर वो वहां होते तो ये सब कोऑर्डिनेट करने में और क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोगों को सीधा उनसे एक सूचना मिलती, लेकिन खैर जो हो गया वो हो गया। मैं ये कहूंगा कि अनिश्चितता को देखते हुए भारत को बहुत सावधानी के साथ अपनी नज़र अफगानिस्तान के ऊपर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और उसके आधार पर हमको अपनी नीति तय करनी। हर देश को अपने हित के लिए शर्तें तो लगानी पड़ती हैं, लेकिन शर्त
एक देश दब लगा पाता है जब उसके पास नेगोशिएटिंग के लिए कुछ वेटेज होता है। वो आज हमारे पास है कि नहीं, कल के अफगानिस्तान में था, हमने जाकर सलमा डैम बनाया, हमने जाकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, उनके स्कूल बनाए, उनकी सड़कें बनाई, उनकी पावर लाइंस दिए, और उनके कितने लोगों को हमने यहाँ बुलाकर उनको स्कॉलरशिप देकर यहाँ उनको पढ़ाया। बहुत सारे वो नौजवान आज भी हमारे देश में हैं। तो हमारे पास कुछ वेटेज था, हम अफगानिस्तान के लिए कुछ कर रहे थे। आज की जो सरकार वहाँ बनने जा रही है उसके प्रति हमारा क्या वेटेज है, इस पर तो हमको यहाँ अंदरूनी चर्चा करनी पड़ेगी। उस वेटेज को रखते हुए ही कुछ निकलेगा, या फिर दुनिया में हम जितना पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं उसको देखकर कुछ हमारे लिए निकल सकता है। तो आज कह देना कि आप कंडीशंस लगा दीजिए, वो कहेंगे हम आपके कंडीशन नहीं मानते, तो कोई बात बनेगी नहीं। ये खेल इस वक्त बड़ा बड़ा सेंसिटिव खेल है, बहुत संवेदनशील खेल है, और इसको बहुत आसानी से अपने अपने हित में मोड़ना, मैं समझता हूँ, हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। देखते हैं, इस पर हम लोग मेहनत करें, लेकिन एक राय होकर अगर भारत एक राय होकर अपनी बात अफगानिस्तान के सामने रखेगा, अफगानिस्तान में अपनी पुराने हितैषियों और दोस्तों के सामने रखेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक मानवीय त्रासदी है वहां पर जो पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कह दिया है कि जो अफगान के नागरिक हैं वो वहां से न निकलें, आप अपने अपने देशों के लोगों को ले जाएं। लेकिन दुविधा वहां पर भी आती है, अगर अफगानिस्तान के रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि वो वहां से इवैक्यूएट किए जाएं, भारत को इसमें क्या स्टैंड रखना चाहिए? क्या हमें सिर्फ अपने नागरिक निकालने हैं या फिर देखिए आप कितने लोग वहां से ले सकते हैं। एक सच्चाई है, संवेदनशीलता की बात अलग होती है, उदारता की बात अलग होती है, लेकिन कोई भी देश हो, बहुत बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली देश, कितने लोगों को अफगानिस्तान से ले पाएंगे, और उन लोगों को अफगानिस्तान से लेने के बाद क्या उनका आगे उनका भविष्य क्या बन पाएगा? हमारे